वो जेली में रहता काली थे ये डालेंगे ठीक है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। तो मेरा यहाँ पे सारा काम हो चुका है फिनिश। तो आज है वर्षावित्री का व्रत, तो जिसे रखती है सुहागन औरत है। मेरा भी व्रत है बट मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ। मंदिर नहीं जाने का कारण है कि मुझे हुए थे पीरियड्स, तो मुझे हुए आज 5 दिन। तो बोलते हैं पहाड़ों में जिसे भी पीरियड्स होते हैं तो वो 7 दिन तक मंदिरों में नहीं जा सकती हैं, तो इसीलिए मैं भी नहीं जा सकती हूँ। तो बोलते हैं एक बार वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत आप लोगों ने रख लिया है तो वो आप लोगों को रखना पड़ता है, नहीं छोड़ सकते हैं आप लोग उस व्रत को। तो इसीलिए मैंने व्रत रखा हुआ है आज, बट मंदिर नहीं जा सकती, ना ही मैं घर के मंदिर में जा सकती हूँ, ना ही मैं बाहर वाले मंदिर में जा सकती हूँ पूजा करने के लिए। तो जितना भी पूजा का सामान है तो वो मैं दे रही हूँ बगल में आंटी को, तो मेरी तरफ से आंटी चढ़ा के आ देंगी और मैं घर पे ही टीका वगैरह लगा लूँगी। तो अभी लगाती हूँ मैं टीका वगैरह, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और फिर चलती हूँ आंटी को सामान देने। तो यहाँ पे मैंने घर पे ही टीका वगैरह लगा लिया है फास्ट के टाइम पे, तो चलती हूँ मैं आंटी के घर और दिखाती हूँ। आंटी भी रेडी हो गई है, वो भी जा रही है। अगर मुझे भी मंदिर जाना होता तो मैं भी आंटी की तरह सज धज के मंदिर चलती। तो दिखाती हूँ आंटी लोग तैयार हुए कि नहीं हुए, चलती हूँ मैं आंटी के घर। तो मैं निकल चुकी हूँ आंटी को सामान देने के लिए, मैं पहुँच भी चुकी हूँ आंटी के घर पर। तो ये रहा आंटी का घर, देखते हैं कि आंटी तैयार हुई है नहीं हुई है। आंटी को लगाते हैं आवाज़। तो अभी आई हूँ मैं आंटी के घर, देख सकते हैं आंटी हो चुकी है रेडी। तो आंटी के जाने की तैयारी हो गई, अभी मैं भी जाती हूँ आंटी के साथ। बट किस्मत खराब है इस बार हमारी, पिछली बार आंटी अकेली रह गई, इस बार आंटी को अकेले मंदिर जाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, अगली बार से हम सब साथ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, आंटी का फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो देख सकते हैं आंटी को जितनी प्यारी लग रही है हमारी आंटी आज, देख सकते हैं साड़ी में ये। तो चलते हैं अब, आंटी को भेजते हैं मंदिर और ये हम सबका सामान चढ़ा के आएंगे आज अकेले। तो यहाँ पे मैं सारा सामान देके भी आ चुकी हूँ आंटी को और आंटी भी चले गई हैं। तो अब आएंगी आंटी मंदिर से, उसके बाद मिलेंगे आंटी से हम, जो भी धागा वगैरह होता है वो अब सीख के लाएंगी आंटी। फिर कल परसों 7वें दिन के बाद ही पहनूंगी धागा, तो मैं बटांती दे देंगी शाम को। और आज शाम को हम मेहंदी भी लगाएंगे, कल तो लगा ही नहीं, कल तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि कल मेरा फास्ट है, मुझे आज मेहंदी लगा लेनी चाहिए थी, तो आज लगाएंगे हम। जाती हूँ, तो अब जाती हूँ मैं देवरानी जी से मिलने। तो देखते हैं अंदर ही अंदर देवरानी जी क्या कर रही है और पूछते हैं इनके लिए खाने में क्या बनाना है। देख सकते हैं बेटे को सुला रही है हमारी देवरानी जी अंधेरे में। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ देवरानी जी लोगों से मिलके, उनसे पूछ के आ गई हूँ कि खाना क्या बना है। तो वो बोल रही है दाल चावल बनाओ और पनीर है तो पनीर भी चल जाएगा। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ दाल चावल, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल चढ़ा ली है और यहाँ पे मेरा प्याज टमाटर कट गया है। तो यहाँ पे दाल उबलने तक मैं देख लेती हूँ, हमारे आए हैं पूलम, खुमानी और लीची, तो वो धो धा के रख देते हैं, वो खाएंगे हम आराम से दाल को भूनने के बाद। तब तक मैं धो लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को पोलम खुमानी। तो ये देख सकते हैं आप लोग खुमानी, पोलम और लीची, तो इनको खाते हैं अब हम आराम से बाहर पे बैठ के। तो दाल भी बन गई है, दाल को भून लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। तो मैंने दाल भी भून ली है, तब तक हम पोलम और खुमानी और लीची खा लेते हैं। तब तक बब्बू भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोगों ने आलू खुमानी खा लिए हैं और बब्बू भी आके खाना खा के चले गए हैं। तो और हमारा बेटू भी छोया था, हमारा बेटू भी उठ गया है अभी। ऊपर देखो तो बब्बू, यहाँ देखो, देखो वहाँ देखो, फोन में देखो, ता जीते ले ना मिलो बाबा इना बला बला। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है दिन का खाना पीना, तो अब लगा मांगती हूँ मैं देवरानी जी से मेहंदी, क्योंकि कल नहीं लगाई थी तो अभी लगाते हैं दिन में। तो जल्दी से मेहंदी लगाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग मेहंदी लगा रहे थे बट मुझे याद आया कल बब्बू को एक गिफ्ट मिला था बब्बू के बर्थडे में, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है गिफ्ट में। वो जेली में रहता काली थे ये डालेंगे ठीक है। तो ये
गिफ्ट में जो दिया था छोटी दी ने, बब्बू की छोटी दी ने, तो ये बहुत ही अच्छा है। बिना बब्बू के मैंने बब्बू का गिफ्ट खोल दिया है, तो वो आप शाम को ही देखेंगे। और बब्बू की तरफ से मैं बोल देती हूँ दी आपको थैंक यू। और एक मिली थी बब्बू को डार्क चॉकलेट, और ये दी थी हिमू ने, थैंक यू हिमू। तो यहाँ पे हमने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी कर ली है, तो अब लगा लेते हैं हम लोग मेहंदी। तो देखो देवरानी जी मेरी कैसी मेहंदी लगाती है, कहीं हमारा बेटू हमारी मेहंदी लगाते लगाते खराब ना कर दे। तो हम जल्दी से मेहंदी लगाते हैं और दिखाते हैं मेरी देवरानी कैसी मेहंदी लगाती है। देख सकते हैं आंटी की और मेरी लग चुकी है यहाँ पे मेहंदी, सबने कल लगाई थी और आंटी और मैंने आज लगाई है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाने के बाद मैं अपनी मेहंदी धो भी दी है, तो अब मैं काटने लग गई हूँ यहाँ पे सब्जी। और मेरी देवरानी जी लगा रही है वहाँ पे मेहंदी, देख सकते हैं अपने हाथों में, और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ और मेरी मेहंदी देख सकते हैं 5 मिनट में कितनी डार्क लग गई। शाम के खाने की तैयारी, तो आज शाम के खाने में बनेगा हमारा रायता पूरी और आलू और बीन्स की सब्जी। तो मैंने बीन्स काट दिए हैं यहाँ पे, आलू छिलती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मेरे बीन्स कट चुके हैं, आलू टमाटर और मिर्ची मैं जल्दी से काट लेती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं सब्जी। तो मैंने यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा ली है, तो अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी। तो मेरी यहाँ पे सब्जी और रायता बन के हो गया है रेडी, तो अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से पूरियाँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को रायता, तो देख सकते हैं ये बन गया है मेरा रायता, और कढ़ाई में है सब्जी, और यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा लिया है पूरी बनाने के लिए। तो जल्दी से बना लेते हैं हम पूरी। यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है, देवरानी जी और पापा जी ने खा लिया है, और बब्बू और मैं खाते हैं, बब्बू भी आ गए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, तो जल्दी से खा लेती हूँ मैं खाना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें। तो अब हम आपको मिलते हैं नए सुबह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।